प्रोग्राम के बारे में, आज आज का जो प्रोग्राम था, बहुत से सेलिब्रिटीज आए, बहुत से पॉलिटिशियंस आए, और अच्छे इट्स लाइक हाई एंड पीपल्स थे, इट्स लाइक एजुकेटेड सोफिस्टिकेटेड बहुत से सारे लोग आए, सुनील पाल कॉमेडियन आए, और वी आर रियली रियली हैप्पी कि सब लोग हमारे शो में आए और उन्होंने हमारे शो को चार चांद लगा दिए, इट्स थैंक्स टू एवरीवन। शेखर सर, ये सीजन चार है, इसके आगे भी और कुछ आप करने वाले हैं? आगे चलता रहेगा, हमारे तीन टाइटल है, एक तो मिस एंड मिसेस अप्सरा महाराष्ट्र, मिस एंड मिसेस अप्सरा इंडिया, और मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक। तो करीबन हर चार पाँच महीने ये हमारी एक एक इवेंट आती रहती है, और इस इवेंट से यानी इस इवेंट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, जो चाहते हैं, जो उनके सपने हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे हो पाए। मैम, आपने अफ्रीका में अवार्ड जीता, उसके बाद ही धमाका किया, अब इसके बाद और क्या करना है? मैंने अफ्रीका में अवार्ड जीता, उसके बाद में आई वेंट टू साउथ अमेरिका एंड आई वॉन्ट मिसेस यूनिवर्स। तो ये जो है, यू नो, दिस इज लाइक, यू नो, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट जो स्पर्धाएँ रहते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं मिसेस यूनिवर्स के बाद और कोई इसमें नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि जो भी अवार्ड्स थे वो मैंने सब जीत लिए, और मैं चाहती हूँ और भी महिलाएं इसमें आए और वो भी सब अचीव करें, अपने पोटेंशियल दिखाएं और सोसाइटी ले के भी कुछ करें। सर, आप कैसे सपोर्ट करते हैं भाई, आपका क्या सपोर्ट रहता है? हमेशा सपोर्ट रहता है, कुछ अच्छा करने जाओ तो सपोर्ट करना ही चाहिए, और ये सपोर्ट के द्वारा किसी का अच्छा हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज मैं मिसेस इंडिया पैसिफिक में 2019 की विनर हूँ, मिसेस में, और आज मतलब जितनी भी खुशी मैं बयां कर सकूँ मेरे लिए बहुत कम है। आज मैं अपने आप को दुनिया के सबसे अच्छे और मिसेस मानती हूँ कि आज मैं यहाँ विनर हूँ। थैंक यू मैम। स्मृति पंचाल ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इसका आपको मौका दिया और आपको मिस इंडिया का ताज पहना दिया, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं स्मृति मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जो इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, ये उन वोमेंस के लिए है जो अपने घर में रह के अपने टैलेंट को नहीं दिखा सकती। और जैसे कुछ, जैसे मैं राजस्थान से आई हूँ, मैं कोटा से आई हूँ यहाँ पे करने के लिए, और जो हमारा शहर है थोड़ा सा कंजेक्टिव है, थोड़ा सा वहाँ पे लोगों को निकलने नहीं देते, लेकिन स्मृति मैम ने ये प्लेटफॉर्म दिया है उन गर्ल्स के लिए, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। और आज उन्होंने मेरे सर पे ताज बनाया है, तो आई एम सो हैप्पी, और जितना भी मैं थैंक्स देना चाहूँ स्मृति मैम के लिए मेरे लिए कम है। आपके पीछे किसका हाथ है जो आप यहाँ तक पहुँची? सर, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। कहते हैं कि किसी आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन आज मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मैं अपने हस्बैंड और मेरे अपने बच्चों को थैंक्स देना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया है, और ये मेरा फर्स्ट स्टेप है आगे लाइफ में सक्सेस होने के लिए। आई नो यहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आगे जाने के लिए। अब भी मैं और आगे कुछ करना चाहती हूँ, और भी ज़्यादा इससे आगे के स्टेप्स में मैं कदम रखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मम्मी पापा सभी बहुत सपोर्टिव हैं, और कभी कोई कुछ नहीं बोलता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, सबको पता है मुझे बचपन से ही फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, एंड सब लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। और स्मृति मैम जैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छी है मैम और काफ़ी सपोर्टिव है। थैंक यू। नहीं नहीं, आखिरी बिल्कुल भी नहीं, लाइफ में बहुत आगे तक जाना, ये तो कुछ भी नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल। एक्चुअली अभी एक मिला है, एक मूवी मिला है मुझे। थैंक यू। मैं मेरे पहले थैंक्स बोल सकती हूँ SS एसोसिएट्स को, और स्मृति मैम और शेखर सर को, क्योंकि अगर आज स्मृति मैम ने अगर हमें मोटिवेशन नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल द टीम व्हाट दे हैव टेकन एफर्ट्स फॉर होल ऑफ दिस पेजन। थैंक यू सो मच। आपके
हाँ आज मेरी फ्रेंड्स आई थी जो मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी बेटियाँ भी आई थी मुझे मोटिवेट करने के लिए, और जैसे ही मुझे मेरा नाम पुकारा गया मेरे तीनों बेटियों ने हाथ ऊपर करके बहुत वो नाचे और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म को कितना मानती हैं और इस प्लेटफॉर्म में आने का मतलब किन किन लोगों को आना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे और आपके पीछे किसका सपोर्ट रहा है? मेरा जो सपोर्ट है तो फर्स्ट मेरे हस्बैंड एंड माय इन-लॉज, और मैं ये कहती हूँ जो स्मृति मैम ने यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है वुमेंस के लिए, मैं हर एक वुमन को चाहती हूँ और मोटिवेट करूँगी कि ऐसे पेजेंट्स में आए और अपना नाम रोशन करे और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी सबको दिखा दे, और ये आइडेंटिटी मिलने के बाद वो अपने को सामाजिक काम करने के लिए भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आगे भी कोई इवेंट पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह? हाँ पक्का, नहीं इसके बाद मुझे मौके मिलेंगे तो हमेशा मैं ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती रहूँगी। थैंक यू प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है एंड उन्होंने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से किया है एंड लाइक जितने लोग जितना भी लाइक यू नो जो भी परफॉर्मेंस है जो भी कंटेस्टेंट है तो लाइक दे ऑल आर अमेजिंग, दे ऑल आर फैबुलस, सो लाइक अमेजिंग। मैं तो ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने ऐसे लोगों को मौका देके, एंड इन फ्यूचर अगर मुझे भी ये चांस मिलेगा तो मैं भी ये करूँगी, मैं भी ऐसे लोगों को मौका दूंगी काम करने के लिए। मैं एक पंजाबी मूवी कर रही हूँ, तेलुगु मूवी एंड वन हिंदी मूवी। मिस इंडिया स्पेसिफिक जो ये अवार्ड दिया जा रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे मिस भी और मिसेस भी है तो दोनों का कंपटीशन हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बेस्ट विनर है वो जीतेगा। और लेकिन मैंने देखा कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भी कुंवारी लड़कियों को टक्कर दे रही हैं और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शादीशुदा लड़की जीत जाए, और मैं तो विश करूँगा वो जीते क्योंकि हालांकि अगर ना भी जीते तो शादीशुदा महिलाएं जो है मेरे नज़र में मिस वर्ल्ड होती है, घर को दुनिया बनाने में, दुनिया को घर को अपना दुनिया समझने वाली और दुनिया की भर की खुशियां घर को देने वाली एक महिला होती है जो मेरे नज़र में मिस वर्ल्ड ऑलरेडी है। ये काम स्मृति पंचाल कर रहे हैं इस टाइप काम एसपी कर सकती है, चाहे स्मृति पंचाल हो या सुनील पाल हो। एसपी स्माइल पीस सुप्रीम पावर एसपी कली हुआ एसपी सरस्वती पूजा। मेरी फिल्म आ रही है वीक बॉस, आप देख रहे हो मैं वीक पहनकर हूँ, और वीक बॉस ये फिल्म आ रही है कॉमेडी फिल्म, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दीजिए, जल्द से जल्द ये फिल्म रिलीज़ हो जाएगी और इसमें सारे आपके कॉमेडी, राखी सावंत भी है दीपक कलाल की गर्लफ्रेंड। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक कलाल और आपको पता ही है मैं क्या क्या करता हूँ आपका दिल जीतने के लिए, उस राखी ने मुझे लूटा है। चाचा कह दो हरियाणा में बहुत फटके पड़े थे तो, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मेरे YouTube चैनल से भी पता चलेगा, सुनील पाल की चौपाल मेरा YouTube चैनल काफ़ी हंगामा मचा रहा है, तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए बस, और कुछ नहीं। थैंक यू बच, बहुत जब भी इट्स अबाउट मैरिड वुमेन और यंग वुमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज औरत ही हमारे जीवन की आधार होती है, माँ होती है, बहन होती है, एंड दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर अस बिकॉज यहाँ पे मिस एंड मिसेस इंडिया पैसिफिक हो रहा है एंड आई एम ऑनर्ड टू जज, नॉट टू जज बट टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स एंड गुडनेस। स्मृति जी को थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, बट स्मृति जी से पहले मुझे मेरे फ्रेंड जो शोरा
सराफ जी हैं लैडो वैरन के जो ओनर हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था और इनवाइट किया था, और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. आने के बाद मिला हूँ सबसे मैं. एंड आई थैंक द होल टीम, मिसेस एंड मिस्टर पांचाल, एंड फॉर श्योर शोराब फ्रॉम लैडो वैरन. 60 साल की महिलाओं ने, अब फिर उम्र बढ़ा के बोल रहे हो, वो 58 की है. तो एंड इसलिए मैंने कहा ना कि औरत सिर्फ चूल्हा चौका तक नहीं होना चाहिए उनका दायरा, और वो पेजेंट्स में आए, वो प्लेन चलाए, वो राष्ट्रपति बने, वो सब कुछ कर सकती है. शी इज एट पार विद वेमेन, एंड एज का कोई बैरियर नहीं होता है. आप आज भी फ्रॉक पहन के औरतें नाच सकती हैं, या रंगोली बना सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं. ना एज इज नथिंग टू डू. और सर आपकी कुछ बस जिंदगी चल रही है. सुनील जी की बातें सुन के हम हंस रहे थे, और हंस हंस के मैं तो आंखों में आंसू आ गए थे मेरे. ही इज सच अ कॉमेडियन. एंड मैं थोड़ा डिप्रेस था क्योंकि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और मैं वहां पे नहीं उनके साथ. मम्मी जी, आपको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. आप जियो हजारों साल. आपको दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल और आपका लाल. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. आपने कोई ऐप भी लॉन्च किया है, उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, मैंने दो कंपनियों का लॉन्च किया है. एक है ट्रू कैप, दूसरा है वेबएक्स. वेबएक्स वो है जो सबको एक प्लेटफॉर्म देगा वेब एंटरटेनमेंट के लिए, और ट्रू कैप जो है, जो आप जनरली आप दूसरे रेडियो कैब्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत पैसा देते हैं, हिडन कॉस्ट होता है, आपको पता नहीं होता है. यहाँ पे ड्राइवर्स ज़्यादा अर्न करेंगे, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स लेते हैं 25-30%. हम लोग फ्लैट 10% ले रहे हैं, तो ड्राइवर्स अर्न करेंगे, देश प्रगतिशील होगा, आगे बढ़ेगा. आप लोगों के लिए बहुत सहूलियत है, बिकॉज कभी कभी कैश होता नहीं है, ATMs में उतरना पड़ता है. आप कार्ड स्वाइप करके दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो. औरतों के लिए पैनिक बटन है जो कि इमीडिएटली उस एरिया के 100 नंबर पे जाएगा. बहुत सारे और भी चीजें हैं जो ऐप आने के बाद आपको पता चलेगा. प्रोग्राम के बारे में आपने देखा. सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और मैं सीधे नायगांव से शूटिंग से सीधे यहाँ पहुँचा. लेट हो गया लेकिन ट्रैफिक बहुत था, 2 घंटे लग गए पहुँचने में. और यहाँ आके ये मान सम्मान मिला, इसके लिए धन्यवाद. एंड मेरी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस. स्मृति पंचाल जी के बारे में क्या कहें, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया? मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा आज के प्रोग्राम के लिए और भविष्य के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं. मिसिन एंड मिसेस, मिसेस ने 50-60 साल की एज में भी इसमें हिस्सा लिया है, तो उनके बारे में आप? ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही एनकरेजिंग बात है, बहुत उत्साह प्रदान करने वाली बात है, खुशी की बात है, कि बड़ी हिम्मत की बात है और बड़े हौसले की बात है. और किचन से निकल करके वो इस रैंप पे आई हैं, बहुत अच्छा है. और मेरे ख्याल से उनको इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी. सर कुछ अपने बारे में कि आप क्या चल रहा है? मेरा तो तेनालीरामा चल रहा है. और उसके अलावा कुछ फिल्में चल रही हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. लग रहा है आपको ये स्पेसिफिक सब बहुत खूबसूरत लोग हैं अंदर, और सब बहुत कॉन्फिडेंट हैं और पूरे प्रिपरेशन के साथ हैं, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं. वी आर हैविंग फन. जैसा सुदीप भाई ने कहा, बिल्कुल सही वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए इस तरह के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और रहेगी, और इससे बहुत सारे टैलेंट निखर के आते हैं और लड़कियों को इस तरह से प्रमोशन या प्रमोट होने का इनकरेजमेंट के लिए एक सोर्सेस मिलते हैं ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से आकर के. मैं चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ होती रहे, और जो प्रोड्यूसर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मैं इनक्रेज करता हूँ. मैंने अनाउंस भी किया कि जितने भी कंटेस्टेंट है सबको हमारे तरफ से 2-2 लाख का इंश्योरेंस फ्री हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. और हमने बोला कि जितने भी 1, 2, 3 जो कंटेस्टेंट थर्ड जो 1, 2, 3 जो कंटेस्टेंट विनर्स हैं उनके लिए हमने ऑल ओवर इंडिया जिम फ्री किया 1 साल के लिए. तो कहीं ना कहीं ऐसे अगर सब लोग अगर उनको अगर बूस्टअप करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो कौन सी लड़की कहाँ से आकर के किस लेवल तक जा सकती है? क्या सुदीप भाई? बिल्कुल बिल्कुल. तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी जजेस हैं या जितने भी सब गेस्ट हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, ताकि
हमारे देश की बच्ची, हमारे देश की लड़की, हमारे देश की नारी एक सशक्त नारी बने और एक अलग मुकाम तक पहुंचे, ये हमारी मैसेज है। और मैं चाहूँगा हम हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करते रहें। सर आपने बहुत बड़ा काम किया एक कैंसर पीड़ित औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और आप बॉलीवुड में काम करते हैं, यहाँ 50 से 60 साल की महिलाओं ने हिस्सा लिया, उसके बारे में आप दोनों की क्या सोच है? हम एज से इनको बात नहीं कर सकते ना, ये तो बहुत अच्छा ऐसा फंक्शन है जहाँ पर एज को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और लास्ट टाइम भी मैं अटेंड किया था और इसमें काफ़ी इंटेलिजेंट और अच्छी अच्छा लोग काफ़ी जवाब दे रहे हैं और इससे जैसा सर ने बोला कि एम्पावरमेंट मिलता है। मैं ये इवेंट में एज अ व्यूवर आई हूँ, मतलब मैं कोई सेलिब्रिटी जज नहीं है, कोई गेस्ट अपीयरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज मेरी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड की मेरी मॉम है जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है और वो जीत भी गई हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर मिसेस अर्चना तेंदुलकर और मैं उनके लिए आई हूँ टू सपोर्ट हर एंड आई एम हैप्पी दैट शी वन। सो या 14 से 12 है, आप अपने पार्टनर्स को पूरे साल प्यार कीजिए, सिर्फ एक दिन मत रखिए प्यार के लिए। यू लव योर पार्टनर फॉर द एंटायर ईयर, कीप देम हैप्पी, बी लॉयल, बी नाइस टू देम एंड दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। मुंबई मिस रह चुकी हैं जी, जी कैसे भी इस मत पंचाल इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कराती रहती जी, इनके बारे में क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म मैरिड वुमेन के लिए भी रखा है, हर एज ग्रुप के लिए रखा है, बिकॉज कहीं ऐसे सपने हैं जो अधूरे रह जाते हैं और अगर वो सपने आज पूरे हो रहे हैं तो जब जागो तब सवेरा। सो आई एम रियली हैप्पी, इन सब चीज़ों से वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत सपोर्ट मिलता है हमारी कंट्री में। एक तरफ जहाँ पे लोगों को लगता है कि वुमेन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे इवेंट्स पे अगर वो आएंगे तो देखेंगे कि आज की डेट में सिर्फ औरतें ही हैं जो पूरा देश चला रही हैं, इट्स बीइंग डन वेरी वेल एंड हम हर चीज़ में आगे हैं, खूबसूरती में, टैलेंट में, हर चीज़ में आगे हैं। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सर काफ़ी आ रहे हैं मेरे, सॉन्ग्स आ रहे हैं, एक वेब सीरीज आने वाली है ऑल्ट बालाजी के साथ जिसकी शूट चालू हो जाएगी, एंड ऑन रोड विद रोडीज एक सेगमेंट है जो MTV के साथ वापस है, तो उसमें मैं और वरुण सूद हम साथ में होस्ट करेंगे शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे बड़ा तो बहुत अच्छा शो था और कॉन्ग्रेचुलेसन टू मिस एंड मिसिस इंडिया पैसिफिक 2019 को, मेरी ओर से दिल की शुभकामना और बधाई। और अच्छे अच्छे लोग थे, कंपटीशन थे और अच्छे मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ का MBS सारा स्टार अच्छा भी, होटल भी सही है, सॉलिड है, तो बहुत अच्छा शो हुआ और थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेसन। वो बहुत अच्छे इंसान है दोनों हस्बैंड वाइफ जो मुझे मिले थे और उनका नेचर भी अच्छा है। मुझे आज ज्यूरी के लिए भी उन्होंने बुलाया था, लेकिन आज मेरे 3 इवेंट थे, प्री कमिटमेंट थी और मेरे को एक पावर ब्रांड अवार्ड मिला इंडिया का आज, तो मैं उधर था वरना मैं भी आज जूरी में होता था। और दोनों का नेचर बहुत अच्छा है और ये इनके अवार्ड के लिए और नेक्स्ट ईयर मेरा एसोसिएशन उनके साथ हर साल रहेगा, ऐसे में शुभकामना करता हूँ। ब्राइड के बारे में मैं बोलूँ, मेरे बारे में सोचा पब्लिक बोलेगी, फिल्म स्टार बोलेंगे, सुपर स्टार बोलेंगे, एक्टर एक्ट्रेस, हीरोइन, कॉरपोरेट और चैनल्स और सब बोलेंगे ना, उसमें मजा आएगी, तो खुद खुद की तारीफ तो नहीं कर सकता, इसलिए उनके बारे में आप स्टार्स को पूछिए। थैंक यू सर।